ये तो सभी को पता है कि गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया था, जहां महाभारत का युद्ध हुआ था। लेकिन आज भी महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। आज हम एक ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि महाभारत का युद्ध आखिर कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ था, किसी और जगह क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे के आखिर क्या कारण है, यह सब आपको जानने को मिलेगा इस खास वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ, जिसमें दोनों तरफ से करोड़ों योद्धा मारे गए थे। यह संसार का सबसे भीषण युद्ध था। उससे पहले ना तो कभी ऐसा युद्ध हुआ था और ना ही भविष्य में कभी ऐसा युद्ध होने की संभावना है। कुरुक्षेत्र की धरती को महाभारत के युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ही चुना था। लेकिन उन्होंने कुरुक्षेत्र को ही महाभारत युद्ध के लिए क्यों चुना, इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। शास्त्रों के मुताबिक महाभारत का युद्ध जब तय हो गया तो उसके लिए जमीन तलाश की जाने लगी। भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध के जरिए धरती का बढ़ते पाप को मिटाना चाहते थे और धर्म की। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को यह डर था कि भाई भाइयों के, गुरु शिष्यों के और सगे संबंधियों के इस युद्ध में एक दूसरे को मरते देख कहीं कौरव और पांडव संधि ना कर ले। इसीलिए उन्होंने युद्ध के लिए ऐसी भूमि चुनने का फैसला किया जहां क्रोध और द्वेष पर्याप्त मात्रा में हो। इसीलिए श्री कृष्ण ने अपने दूतों को सभी दिशाओं में भेजा और उन्हें वहां की घटनाओं का जायजा लेने को कहा। सभी दूतों ने सभी दिशाओं में घटनाओं का जायजा लिया और भगवान श्री कृष्ण को एक एक करके उसके बारे में बताया। उसमें से एक दूत ने क्षेत्र में एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को खेत की मेन टूटने पर बहती हुई वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा, लेकिन उसने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इस पर बड़ा भाई गुस्सा से आग बबूला हो गया और उसने छोटे भाई को छुरे से गोद कर मार डाला और उसकी लाश को घसीटता हुआ उस मेड़ के पास ले गया जहां से पानी निकल रहा था और वहां उसकी लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया। दूत द्वारा सुनाई गई इस सच्ची घटना को सुनकर श्री कृष्ण ने तय किया कि यही भूमि भाई भाई, गुरु शिष्य और सगे संबंधियों के युद्ध के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। श्री कृष्ण अब बिल्कुल निश्चित हो गए कि इस भूमि के संस्कार यहां पर भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होने देंगे। इसके बाद उन्होंने महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने का। तो ये थे असली वजह जिसकी वजह से श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को ही महाभारत के युद्ध के लिए चुना था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।